नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत के बारीग्राम स्थित बीएमएस कार्यालय में शनिवार को जिले भर के पीडीएस डीलर जुटे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बेरमो प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार विगत 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बैठक जिला उपाध्यक्ष हितेश झा के नेतृत्व में। उन्होंने कहा कि अपने मांगों को लेकर सरकार से कई बार गुहार लगाए परंतु कोई पहल नहीं हुई, इस कारण 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कहा कि कोरोना काल के समय से लाल कार्ड, अंत्योदय कार्ड और राज्य सरकार की ग्रीन राशन कार्ड धारी के बीच मुफ्त वितरण किए गए अनाज का आज तक कमीशन हम दुकानदारों को नहीं मिला है। हम लोग सभी गरीब को सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ पहुँचाकर पेट भरने का काम किए परंतु सरकार हम लोगों को 1 वर्षों से भूखा रखी है। वही हर माह वितरण होने वाली अनाज का ना तो कमीशन दे रही है ना मानदेय तय की है। इसके कारण हम सभी डीलरों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कोरोना महामारी के समय वितरण की गई पीएमजीकेएवाई का 10 से 12 माह का कमीशन भुगतान करने, कोरोना काल में ली गई बोरा की राशि का भुगतान करने, ई पोस मशीन में 2G की जगह 5G नेटवर्क सुविधा देने, प्रशासन के द्वारा डीलर का शोषण करना बंद करने आदि मांगों का हड़ताल होगा। मौके पर उपस्थित जिलाध्यक्ष हरिनंदन प्रसाद सिंह, मनोज साव, संजय सिंह सहित डीलर को 30,000 रुपये और जो हमारा डीलर मर जाता है उस पर कोई एज बाउंड न हो, अनुकंपा के आधार पर उसरे के आश्रित को न फिर दुकान दे। अगर और चौथा है जो हमने अपने जान पर खेल के पूरे भारत में 4,000 दुकानदार को आहुति देकर कोरोना काल में सफलतापूर्वक वितरण किया, गरीबों के बीच बांटा राशन, लेकिन उसका पैसा आज तक रखे हुए है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के। वे भुगतान करें। और जो अभी वर्तमान जो वितरण व्यवस्था हो रहा है इसमें राज्य सरकार ने नियम बनाया जो हम अग्रिम भुगतान देंगे, कमीशन हम अग्रिम देंगे, अब बांटिएगा जितना उतना पैसा आपका कटेगा, शेष पैसा बचेगा वो दूसरे वितरण में एडजस्ट होगा, तो वो हमको अग्रिम भुगतान दे। और ये सरकार जो है सन अग्रिम भुगतान देती, बाद में भुगतान देती है, भुगतान देने के बाद उसमें भी 9-13 पेंच लगाती है। बगबी प्रति डीलर जो सरकार कमीशन देती है वो एवरेज 1 डीलर को 2,000 रुपया पड़ता है मासिक। और सरकार जो अपना कानून बनाए हुए है जो 30 दिन हमें दुकान खोलना है, और यही सरकार एक दूसरा कानून बनाए हुए है जो एक आदमी से यदि 30 दिन आप काम लेते हैं और वो आदमी अगर कुशल मजदूर है तो लगभग 500 रुपया पर डे उसको मिलना चाहिए। हम 30 दिन सेवा करते हैं और 2,000 रुपया एवरेज हमारा 25,000, लगभग 25,000 डीलर का मासिक आमदनी बनता है। हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं और हम लोग अपने आखिरी स्टेज में आके हम लोग हड़ताल में चले गए। जी, तो अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, सरकार हमारी है, सरकार हम लोगों ने बनाया है और हम इस झारखंड के जनता भी हैं, डीलर के साथ साथ हम झारखंड के जनता भी हैं। और सरकार जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को बनाने में हमारा भी योगदान है। और सरकार हमारी मांगे अगर नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक कहावत पढ़े हैं, भूखे भजन न होई गोपाला ये ले तेरी कंठी माला। यदि भगवान भी हमारा पेट नहीं भरते हैं तो हम उनका माला कैसे डोला पाएंगे, क्योंकि और सरकार हमें नहीं देती है तो हम इस सरकार के समर्थन में कैसे रहेंगे। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और हम कारधारियों से जो लाभुकों हैं उससे भी हम क्षमा चाहते हैं। जो अन्य लोग मौजूद थे, वी टाइम न्यूज़ के लिए बेरमो झारखंड से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।